तो जी जैसा आपको अभी पता चला है कि वेस्टइंडीज की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्वालिफायर्स का मुकाबला गवा दिया है और इस मुकाबले को हारने का मतलब यह है कि 2023 में वेस्टइंडीज की टीम अब हिंदुस्तान शायद ना आए। और बॉलिंग भी आपकी अच्छी थी, बैटिंग भी आपकी अच्छी थी, पर जज्बा जो अपने देश के लिए जज्बे से खेलता है वो टीम जीतती है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर में आके फ्रेंचाइजी लीग में खेल खेल के ना इनका इनकी बुद्धि खराब हो गई है, इनसे खेल जाता ये निक्की पू, इन्हें 16 करोड़ में खिलवा लो वहां पर दो तीन छक्के मारेंगे, बस जिसे दो तीन छक्के मारेंगे 16 करोड़ मिलेगी। होप है आपके पास, ब्रेंडन कीके आपके ओडीआई स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास जेसन होल्डर का एक्सपीरियंस है जिसे अभी आईपीएल में उसको खरीदवा दो तो उसको सब 10-15 करोड़ रुपए दे देंगे। अपने देश के लिए क्या कर रहे हो आप? डैरन सैमी जिसने मतलब कुछ था ही नहीं भाई वेस्टइंडीज की क्रिकेट उस समय पे, अपने गर्व पर थी फाइनेंस के लिहाज से, ना कोई सपोर्टर ना कोई स्पॉन्सर ना बोर्ड से कोई ताल्लुकात। समीकरण सर गैरफिल्ड सोबर ने 2015 में ये कहा था कि आईपीएल ने वेस्टइंडीज की क्रिकेट तबाह कर दी है और आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता वेस्टइंडीज क्रिकेट अपनी तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी और फिर वहां से वापस उठना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं जो उन्होंने 2015 में पब्लिश किया था, जिस पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन अब जब वेस्टइंडीज क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं कर पाई, तकरीबन उसका अब करना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि जो अपसेट शिकस्त उसे नेदरलैंड्स ने दी है सुपर ओवर में जाकर, उससे वो पॉइंट्स टेबल में काफी पीछे रह चुके हैं। लेकिन हमारा मुद्दा आईपीएल है कि जिसके बारे में अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं और भारत का मीडिया भी बरमला इस बात का इजहार कर रहा है कि इन लीग्स खासकर आईपीएल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है और डैरन सैमी जैसे वेस्टइंडीज के कामयाब तरीन कैप्टन भी अब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आईपीएल ही वो लीग है जिसने वेस्टइंडीज क्रिकेट जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी उसे इस मकाम तक पहुंचाया है कि अब वो क्वालिफाई तक करने के काबिल नहीं रही। सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर भी वेस्टइंडीज के मुकाबला नीदरलैंड से हारने के बाद एक बहस छिड़ी जिसमें कहा गया कि 16 करोड़ में आईपीएल जैसी लीग्स वेस्टइंडीज के प्लेयर्स को लेते हैं, फिर वो सिर्फ अपने छक्कों और चौकों की मदद से बगैर कोई अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स खेले या बगैर कोई अपने तजुर्बात में इजाफा करते हुए आईपीएल में चंद छक्के मारकर एक अच्छी मोटी रकम हासिल कर लेते हैं और फिर जब अपने मुल्क में खेलने की बारी आती है तो ये लोग मुल्क के लिए खेलने से इनकार कर देते हैं या फिर अगर खेलते भी हैं तो इतनी बेदिली के साथ कि उनकी टीम नीदरलैंड जैसी छोटी टीम से मुकाबला हार जाती है। इस सारे मामले में भारत का मीडिया इस वक्त आईपीएल के बारे में क्या कह रहा है और वेस्टइंडीज के प्लेयर्स को क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, किस तरह आईपीएल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाता है। तो जी जैसा आपको अभी पता चला है कि वेस्टइंडीज की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्वालिफायर्स का मुकाबला गवा दिया है और इस मुकाबले को हारने का मतलब यह है कि 2023 में वेस्टइंडीज की टीम अब हिंदुस्तान शायद ना आए। और शायद बहुत हल्का सा ही रखिएगा इस शायद को, बहुत ज्यादा बड़ा मत मानिएगा क्योंकि अब ये लगभग लगभग तय है। हालांकि अगर आप गणित के लिहाज से देखेंगे, प्रैक्टिकल होकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी उम्मीदें बाकी है, लेकिन उसके लिए परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनने पड़ेंगे और कई सारे अब उनके अपने हाथ में तो चीजें नहीं रह गई। और शायद जैसे हम पिछली चैट में बात भी कर रहे थे कि एक तारीख थी 25 जून 1983 जब भारत ने वेस्टइंडीज को उसके तीसरे लगातार खिताब को जीतने से रोक दिया था। एक टीम जो कि 40 साल पहले तीसरा विश्व कप जीतने की दहलीज पर खड़ी थी, हिंदुस्तान की टीम ने उसे थोड़ा सा साइड किया, 40 साल बाद वो टीम मेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाएगी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। एंड दिस माइट बी मस्ट बी द डार्केस्ट डे इन द वेस्ट इंडीज। जो आपने रेफरेंस ड्रॉ करी उससे और ज्यादा आपको गंभीर लगे, जैसे इस बात में वजन डालेंगे कि आप 1983 में वजनदार हो गए, कोशिश करेंगे मतलब अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतना बैक टू बैक, वो अपने आप में वो ग्रेट टीम थी वेस्ट इंडीज की, जिसे कहते ना कि भाई उस टीम को हराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज वेस्ट इंडीज को हराना इतना आसान हो गया है कि आप उनको ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप मेन वर्ल्ड कप देखिए टी20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट हो जाते हैं क्योंकि फॉर्मेट छोटा होता है, एक बड़ी पारी आ जाती है। 50 ओवर वर्ल्ड कप जो ओन करा था वेस्ट इंडीज ने एक जमाने में, आज इतने और भाई ये वेस्ट इंडीज की टीम आपकी बेहद स्ट्रॉन्ग टीम थी जिसमें ब्रेंडन किंग थे, काइल मेयर्स थे, आपके जॉनसन चार्ल्स थे, शाई होप थे, निकोलस पूरन थे, रोस्टन चेस थे, रोमन पॉवेल थे, जेसन होल्डर थे। बॉलिंग भी आपकी अच्छी थी, बैटिंग भी आपकी अच्छी थी, पर जज्बा जो अपने देश के लिए जज्बे से खेलता है वो टीम जीतती है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर में आके फ्रेंचाइजी लीग में खेल खेल के ना इनका इनकी बुद्धि खराब हो गई है, इनसे खेल जाता ये निक्की पू, इन्हें 16 करोड़ में खिलवा लो वहां पर दो तीन छक्के मारेंगे, बस जिसे दो तीन छक्के मारेंगे 16 करोड़ मिलेंगे। तो भाई आप ऐसे आओगे ना फायदा नहीं चलेगा, बस मारे दो तीन बोल रहे हैं इस ओवर मैच होने वाले घूमते हैं जॉनसन चार्ल्स से भाई ट्रिक की बात है वहां पे शतक मार देगा टी20 भाई फास्टेस्ट वो बिल्कुल है। आप सिकंदर रजा को देखो वो भी तो खेल
ये सारे के सारे खिलाड़ी जब सारे, और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम को देखिए, पिछले एक डेढ़ या दो साल में अगर आप जिम्बाब्वे की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट का जो एंथुसियाज्म है ना, जो उनके फैंस का, वो टीम के पीछे किस तरीके से लग गया है। जो एक एक टीम को चाहिए होता है ना कि अपने घर से सपोर्ट मिले हमें। इंडिया की सीरीज याद करिए, तीसरा मैच था ना वो, तीसरा मैच बताता हूं मैं, बांग्लादेश को इसी टीम ने हराया जिस बांग्लादेश ने हमें अपने घर में बुरी तरीके से हराया। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया। इसी टीम ने लगभग इंडिया के अगेंस्ट मैच जीत लिया था, पर वहां पर जीत नहीं पाई। इसी टीम ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराया, और यही टीम है आज तारीफ आपको करनी चाहिए। क्रेग एस्टिंडीज, सोन विलियम्स की, सिकंदर रजे की, मुजरबानी की, वहां पे नगारवा की, जो हमने प्रीव्यू भी किया था उसमें आपको ये बोला था कि वेस्ट इंडीज श्रीलंका दुनिया बात करेगी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम आकाश भाई वो टीम हो सकती है जो इन दोनों में से एक टीम को चोक कर सकती है। और वही हुआ भाई, डेफिनेटली वही हुआ जो आपका प्रीव्यू में हमने बताया था। और जो हमने पिछले मैच के बाद अगर दो टीम्स की हम बात करते, दो टीम्स वहां से क्वालिफाई करेंगी आपकी, दोनों मिला के आपके दो टीम आपके जब जाएंगी, जब आप सुपर सिक्स के लिए जाओगे तो ओवरऑल आपकी दो टीमें जाएंगी। सब वेस्ट इंडीज श्रीलंका को फेवरेट्स मान रहे थे, लेकिन पिछले मैच में जब हम डिस्कस कर रहे थे मैं और राहुल, हम दोनों ने जिम्बाब्वे को रखा था। भाई ये क्वालिफायर कौन कौन खेलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है भाई? क्वालिफायर में जो आपकी टॉप की दो टीमें होंगी वहां पर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं नहीं, दो ग्रुप, अभी ग्रुप ए ग्रुप में कह रहा हूं, और सुपर सिक्स में आपकी तीन तीन टीमें जाएगी, लेकिन सिनेरियो ये है और ग्रुप बी में जो टीमें आपस में खेल चुकी है वो सुपर सिक्स में नहीं खेलेगी, सिर्फ आपको तीन मैच वहां पर मिलेंगे। अब जिम्बाब्वे की टीम वेस्ट इंडीज से नहीं खेलेगी, और अब जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज दुआ करेगी कि हम श्रीलंका को हरा दे, और श्रीलंका जिम्बाब्वे को हरा दे, तब जाके वेस्ट इंडीज के चांसेस बनते हैं। जो दो टीमों के बीच आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल होगा वो दोनों टीमें आपके डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी वहां पर। तो सिनेरियो ये बन गया है, वेस्ट इंडीज की टीम काफी डिसअपॉइंट होगी। जो आपकी इंडिया और वहां पर वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसकी क्या इंपोर्टेंस रह जाएगी अगर वेस्ट इंडीज आपकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई? पर हार रही है यार, इन टीमों के साथ कंपटीशन नहीं दे पा रही है। इंपॉर्टेंट है ना, इन्हें करोड़ों के ऑफर चाहिए। अभी हम नरेन और रसेल से पूछ लेते हैं वेस्ट इंडीज खेलना है, नहीं भाई करोड़ों का ऑफर वहां मिल गया, अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करना। इन सभी खिलाड़ियों को आप देखो, पूरन को भी 16 करोड़ मिलते हैं, वो आईपीएल में तो जी जान लगा देते हैं। ग्रुप की तस्वीर भेज दो ना एक बार, के चला देगा ग्रुप। दो बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन 2004 में, और आज आपने ऐसे दिन ला दिया वर्ल्ड कप के, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लारे पड़ रहे हैं आपके। खेले देश के लिए होते ना, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, नो मैटर आप प्रोफेशनल कितना बन जाओ, फ्रेंचाइजी के लिए कितना खेल लो। आज आपने जो लेगेसी बनाई थी, माइकल होल्डिंग हो गए वापस, लोग उनकी मिसालें देते हैं, इस टीम की मिसाल देगा कोई? इस टीम की यार आज क्लाइव कहीं भी बैठे होंगे कितने निराश होंगे। क्लाइव लॉयड जिसने मतलब जिसने एक लेगेसी रची यहां पर, ठीक है अगर आप कहने दिन भी देखने को, क्लाइव लॉयड को नहीं भी जानते हो तो डैरन सैमी को देख लो भाई। डैरन सैमी जिसने मतलब कुछ था ही नहीं भाई वेस्ट इंडीज की क्रिकेट उस समय पे, अपने गर्त पर थी फाइनेंस के लिहाज से, ना कोई सपोर्टर, ना कोई स्पॉन्सर, ना बोर्ड से कोई ताल्लुकात प्लेयर्स को लेकर। आपको याद है उसने क्या बोला था 2016 का वर्ल्ड कप जीते हुए? आई डोंट नो व्हेन विल दिस ग्रुप मतलब टुगेदर अगेन। हिंदी में, अंग्रेजी इतनी बेहतर नहीं है, हिंदी में आपको बताता हूं, हमें नहीं पता कि ये जो ग्रुप यहां पर खड़ा है ये अगला मैच कौन सा एक साथ खेलेगा, सीरीज ही बात। उसके बावजूद उस खिलाड़ी ने उस स्थिति में यार आपको दो बार चैंपियन बनाया, एक बार भी नहीं।